देखा दर्शक मन से उखर से पूछता नहीं फिल्म कैसे लगी। रोंगो बाटी का रोल अच्छा। अच्छा रोल अच्छा है। ये आप लोग कैसे लगी फिल्म? बहुत अच्छा लगी। बहुत अच्छा है। हाँ। तो कुछ ऐसी चीज है ना अपन लोग कुछ याद हुई कि ये चीज अच्छा लगी? नहीं, छत्तीसगढ़ में सिर्फ हीरो है तो वही है अनुसर। हाँ। का चीज अच्छा लगी से ना? गाना वाना? गाना भी अच्छा लगी से और रंगोबती के जो एक्टिंग है। हाँ। वो और सबसे ज्यादा अच्छा। पहली बार लड़की के रोल। हाँ। और जो उसका ये गेटअप था अच्छा लगी थी इसमें। हाँ, वो रंगोबती रंगोबती अच्छा लगा। टाइटल सॉन्ग है। हाँ जी हाँ, रंगोबतिया आओ मोर गांव के हसिया गोरी, ये भी अच्छा लगी। दीदी ये फिल्म कैसे लगी साहब? बहुत बेस्ट है। अनु शर्मा जी का गाना वाला रंगोबती गाना भी अच्छा है। बहुत काठो सुरता हुई गाना थोड़ा बहुत रंगोबती 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 वाला ना टाइटल सॉन्ग अच्छा लगे एकदम। बहुत अच्छा उसका एक्टिंग पहले एकदम ब्यूटीफुल पहली बार। बहुत अच्छा कैसे लगी बुढ़िया आपको? हाँ बहुत अच्छा लगा। लोग कहाँ गए हो? सिल्तारा से। खास अनु शर्मा के फैन ना? हाँ। अभी आ गए हो सर, अब मिल सका तो आप? अनु शर्मा मेरे लिए बहुत अच्छे भैया। बड़े लगी से एक कैसे लगी से बाबा? ठीक है अच्छा लगी से। अच्छा लगी बहुत एक नंबर दी सुपारी थे बहुत अच्छा। संगवारी हो हमारे साथ में है ये फिल्म में जो ना कॉमेडी के साथ साथ बहुत बेहतरीन रोल करे है प्रदीप शर्मा जी और जानतन ये फिल्म के बारे में। जय जोहार जय छत्तीसगढ़। आओ आज हमारे फिल्म रंगोबती रिलीज हुए हैं और आज हम लोग जबरदस्त कॉमेडी फिल्म है ये पब्लिक ला देखो। आपका सब माया देवर आए है और मैं पूरा छत्तीसगढ़ की जनता ला बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पूरा परिवार संग हमारी फिल्म कॉमेडी फिल्म है और मैं दाऊद जी के रोल करे हूँ। कैसे लगी आप मतलब पिक्चर? जबरदस्त बहुत अच्छा। ये दर्शक मन बताइए कैसे लगी पिक्चर है ना? मैं देखे हैं सर फिल्म ला बहुत बेहतरीन लगी से जैसे कि आप मन बता रहे कि शुरू से अंत तक मोर जो कॉमेडी के सीन है और लोगन ला बहुत पसंद आई उस टाइप के रही से। और कहाँ लगते हैं आप मन ला? आप मीडिया के मीडिया से हो और जब आप ला अच्छा लगे तो दर्शक मन ला तो अच्छा लगत हुई और फिल्म में अंदर में थिएटर में देखे हो दर्शक मन कत का मजा ले और ऐसे मजा दुलार बनाए रखे और फिल्म और देखा रहे और मजा लेते रहे। कैसे लगे? अच्छा था, बहुत अच्छा था। कॉमेडी भी अच्छी थी, इनके रोल भी अच्छे थे, अच्छे अच्छे थे। और काजी गाना वाना एक आठ कुछ गाना में बहुत अच्छा था, सब बढ़िया था पिक्चर में। गाना याद है गुनगुना कुछ एक आठ रंगोबती वाला गाना अच्छा लगा। रंगोबती टाइटल टाइटल साउंड अच्छा था, बहुत अच्छा था। अच्छा आप मन देखे हो कैसे लगे? जी सर मैं शुरू से आखिर तक देखे हूँ, बहुत जबरदस्त रही पिक्चर और ये रंगोबती खास करके ये तो छत्तीसगढ़ी में पहली बार की जो अनु शर्मा इतना बड़ा सुपरहिट फिल्म लेकर है और जनता जनार्दन से पहले सुपरस्टार सब श्रद्धा से बोला था कि सब देखे और पिक्चर लाइक बानी 50 बार देखे। जय छत्तीसगढ़। सर आप मन कैसे लगी इस फिल्म? मोला तो बहुत बढ़िया लगी, बहुत कॉमेडी वाला पिक्चर हरे। मैं छत्तीसगढ़ी फिल्म के कलाकार हरों दिलीप ताम्रकार और नवा नया प्रयोग हो मतलब एक प्रकार से छत्तीसगढ़ी में और नयापन लिए। हाँ मतलब अच्छा लगे, स्टोरी बढ़िया है, बुरा बोर नहीं लगी, बुरा मनोरंजन लगी। संगवारी हो हमारे साथ में है शीतल के कैरेक्टर जो रोल करे है उखर से आ जानथन और ये फिल्म के बारे में कि उखर के का कहना? नमस्कार संगवारी मन, ये फिल्म तो बहुत ज़बरदस्त बनी है। इसमें अनु शर्मा का एक नया किरदार आया है जो लड़की है बनी है तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो फर्स्ट फीचर है, मेरी तो डेब्यू फिल्म है। अनु शर्मा की तो बात ही अलग है, उनको तो पूरा छत्तीसगढ़ पूरा इंडिया जानता है और ये पिक्चर में काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा भी नहीं कि बड़े बड़े स्टार कास्ट इस मतलब मूवी में काम कर रहे हैं। मेरी दो तीन पिक्चर बन चुकी है पहले से लेकिन अभी आई नहीं, ये एक डेब्यू फिल्म कहलाई जाएगी। बहुत अच्छा लगा मुझे तो और दर्शक मन तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, फर्स्ट दिन था। जय जय संगवारी हो, मैं राजू टेमरे फिल्म कलाकार है, फिल्म में छोटे से रोल करे हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई इसकी अनुज के पिक्चर में रोल करे हूँ और पिक्चर बहुत सुघर बने हैं जिसमें आप मना फैमिली आके देख सकत हो, बहुत सुघर बने हैं। और छत्तीसगढ़ दर्शक मतलब मैं संदेश देना चाहता हूँ, हमार बोली भाका के फिल्म हरे, हमार छत्तीसगढ़ी भाका के फिल्म हरे, हमार राज्य के फिल्म है, तो आप मन देखो काबर कहते गला रंगोबती नाक में नथनी बने लगते, रंगोबती नाक में नथनी बने लगते, बासी संग में चटनी बने लगते, जाड़ के दिन में ममदई कोली बने लगते, वैसे ढंग ले हमार छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली बने लगते। तो संगवारी हो देखे पर झुन बुलाऊ, हमार फिल्म लग चुके हैं, आप मना हर टैकेज में जाके ये फिल्म देख सकते हो। जय जोहार जय छत्तीसगढ़। जो रंगोबती फिल्म बहुत ही अच्छा है, एकदम बहुत ही हास्य कॉमेडी पूरा भरपूर और ये फिल्म वाला परिवार के साथ जरूर देखो।
आज आप मन के फिल्म लगे, आप मतलब बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। और सर ये फिल्म के बारे में आप मन कुछ बताओ की जानकारी। मतलब बहुत खुशी हो थे कि फिल्म ले दर्शक पसंद करते थे और उखरे प्रसाद से फिल्म आगे बढ़े और मैं बचे हुए दर्शक लग बोलूँ भाई आओ और छतगढ़ी फिल्म बढ़ाओ और छतगढ़ी भाखल बढ़ाओ और अपने परिवार के साथ आकर के फिल्म देखाओ। अच्छा सर ये जैसे फिल्म आम दर्शक अगर देखना चाहे बोला का चीज जैसे खींची जाना आके देख सका ऐसे कुछ आप। ये मैं सबसे बड़े बात है कि अनुज शर्मा जो है पद्मश्री जो है पहली बार लड़की बने हैं और लड़की बने हैं तो ऐसे नहीं बने कि लड़की बने तो टोटल लड़की टाइप की दिखते चिखला है कि नहीं। तो मैं जनता ने कहूँ कि भाई अनुज शर्मा ला बहुत हीरो बने देखे हो अगर एक बार लड़की में रोल में कैसे बनते कैसे दिखते वाला आप जरूर देखा हो। धन्यवाद। तो संगवारी हो ये इसे फिल्म के निर्माता जेना बताइस कि ये फिल्म ला काबर देखना चाहिए और काबर आना चाहिए करके। तो आप मैं बिल्कुल ये फिल्म नहीं देखे हो तो आके यहाँ देखो। संगवारी हो हमारे साथ में है अभी रंगोबती फिल्म देखे पर आए है कुछ दर्शक है जिन्हें देख रहे हैं। तो सबसे पहली हमन है जो ये फिल्म देखे पर आए है ओखर बारे में जानता कि कहाँ ले आए और ये फिल्म कैसे टाइप के प्रेरित करी इसकी फिल्म देखे पर आए। हमन बहुत धुरियाल देखे ला है अच्छा है कि मतलब हमारे राजीव ला है। राजीव ला है तो का चीज से फिल्म आप मन सोचे कि आज ये फिल्म देखना है करके। वो जो अनुप शर्मा है ना वो लड़की के रोल करे है ओला देखे बरा है। अच्छा। सर आप मन मैं संतोषी नगर से आया हूँ और मैं अनुज शर्मा के बहुत बड़े फैन हूँ। मैं अनुज शर्मा लड़की का रोल निभा है मैं वही ला देखे बरा हूँ कर की एक्टिंग है करके। सर आप मन मैं बस वही अनुज शर्मा लड़की का रोल कैसे टेक्चर निभाए वही चले देखे रहा हूँ बाकी तो सुपर स्टार है वो पद्मश्री है तो बाकी बस वही देखे। हाँ आप मन अनुज शर्मा जी के फैन हो तो उखर से आप मन जय जोहर संगवारी हो। मैं तो वैसे रायपुर के रहने वाला हूँ मैं पिक्चर ला ये नाम से देखे हो रहे हो कि अनुज शर्मा तो आज 20 साल पुराना आर्टिस्ट है जो कि हमारे सबसे सीनियर है वो हर प्रकार के किरदार निभाए लेकिन ओकर पिक्चर तो लाजवाब रथे ही रहते लेकिन मैं तो खास बात ये देख रहा हूँ कि अनुज भैया हमार लड़की के रोल में दिखते कैसे। मैं सबसे पहले ये ला देख ला और बहुत बढ़िया रोल बहुत बढ़िया पारिवारिक पिक्चर है भैया। मैं तो आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप सब परिवार आओ परिवार के साथ देखो बहुत बढ़िया पिक्चर बना है ये तो पूरा पारिवारिक पिक्चर बना है एक्शन से भरपूर हंसी मजाक से भरपूर कुछ कॉमेडी बहुत बढ़िया पिक्चर बना है। गाना बहुत बढ़िया है एती ओती चारों कोती इतने छागे हावस रंगोबती बहुत बढ़िया गाना ये तो टाइटल सॉन्ग है एकर अलावा कोई ऐसा और पर अभी तत्काल में याद नहीं आ रहा है रिमिक्स गाना भी है बहुत बढ़िया है। अच्छा तो कॉमेडी भरपूर है भरपूर है पूरा पारिवारिक पिक्चर है। एक आध जन कैरेक्टर जेकर रोल आप मतलब अच्छा लगे शैलेंद्र भट्ट जी है। हाँ और तो इसमें जॉनसन अर्जुन सर है निशांत उपाध्याय जी हैं और सबसे बड़े आर्टिस्ट बोलना चाहिए जो कि हमारे 20 साल पुराने और सीनियर जो हैं प्रदीप शर्मा जी इनका कैरेक्टर तो बहुत छा गए हैं मतलब रंगोबती तो छा गई है प्रदीप भी अभी छा गए हैं पूरे बॉलीवुड में। बस पिक्चर तो बहुत अच्छा बना है मैं अनुज शर्मा का फैन हूँ। दूसरे बात है कि हर जितना भी पिक्चर लगता है छत्तीसगढ़ी पिक्चर वो हम देखने आते हैं वो भी प्रीमियर शो आते हैं 12 बजे शो 9 बजे का शो वो सभी देखने आते हैं। वैसे तो पिक्चर एक नंबर बना है चलने लायक है छत्तीसगढ़ जनता से ही निवेदन करूँगा कि आए पिक्चर देखें और हमारे अनुज शर्मा जी को और हिट से हिट सुपर हिट बनाएं बस यही चाहता हूँ। धन्यवाद भैया। तो संगवारी हो ये रीस कुछ दर्शक मन जिन हाँ अभी फिल्म ला देखे बर जाही और कुछ ऐसे दर्शक है जिन्हें फिल्म ला देखी अच्छा मतलब बने लगवारी हो मोर साथ में है भी शमशेर जी और ये फिल्म ला देखी देखे के बाद में ओला ये फिल्म में का ऐसे लगत है और बाकी जो दर्शक नहीं देखे है तेन मतलब का ऐसे संदेश जाते कि ये फिल्म ला देखना चाहिए तो सर से जानता सर बताओ सर। ये फिल्म वास्तव में बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है ये रंगरसिया से भी बहुत अच्छी बनी है और सबसे बड़ी खासियत ये कि हमारे छालीवुड के सुपरस्टार अनुज शर्मा जी जो एक अलग गेटअप में है हैं क्योंकि उन्होंने इसमें महिला का बहुत ही बढ़िया किरदार किया है जो बहुत ही चैलेंजिंग था। हम लोग खुद नहीं सोच पा रहे थे कि अनुज शर्मा जी इतना बढ़िया कर जाएंगे लेकिन पता चला कि उसके पीछे 3-4 महीने मेहनत किए हैं तब जाकर उनको सफलता मिली है। तो एक तो बहुत अच्छी पिक्चर बनी है एक सामाजिक दृष्टिकोण को देखते हुए आज के इस दौर में हर कोई टेंशन में जी रहा है हर किसी को मनोरंजन चाहिए हर किसी को हंसने के लिए चाहिए हैं। तो ऐसी स्थिति में आदरणीय अशोक तिवारी जी ने और पुष्पेंद्र सिंह जी ने इतना बढ़िया कॉमेडी पिक्चर लेकर के आया है कि लोगों को एकदम हंसाने गुदगुदाने
एकदम शुरू से लेकर आखिरी तक के जो एकदम हंसाने और गुदगुदाने के काम किया है। बस आखिरी में जो है थोड़ा सा जो है इमोशनल हुआ है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा तरीके से हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म से एक चीज़ और मेरे को समझ में आई कि जिस प्रकार छाली हुए जिस प्रकार बॉलीवुड में आपको एक जमा समय में एक दशक में देखने को मिलता था कि शक्ति कपूर और कादर खान की जोड़ी, तो सेम वैसी ही जोड़ी इस बार जो है ना इस फिल्म में वो निशांत उपाध्याय और प्रदीप शर्मा जी की लग रही है। और आने वाले समय में छालीवुड में ये दोनों जो है ना कॉमेडियन के रूप में बहुत ही जबरदस्त धमाल मचा। ये मैं गाना आप मन ला कैसे लगे? गाना भी बहुत अच्छा है है ना, लेकिन वो धीरे धीरे दर्शकों को समझ में आएगा, और जैसे जैसे दर्शकों को समझ में गाना और जैसे जैसे कहानी दर्शकों को समझ में आएगी, जैसे इसका मौत प्रचार भी होता जाएगा साथ में, वैसे वैसे जो है ना फिल्म के दर्शक बढ़ते जाएंगे। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अभी जो भी रिकॉर्ड टूटा है छत्तीसगढ़ी फिल्मों का, वो उससे भी ज़्यादा रिकॉर्ड इसका टूटेगा। मेन एकर जो मैसेजिंग इसे का चीज़ है जिन आप मतलब देखे एक बार लगी इसकी का इसे मैसेज देती है फिल्म? ये फिल्म मुख्यतः तौर पर ये एक मैसेज देती है कि आज हर कोई अलग अलग तबके में बटा हुआ है, कोई आजकल किसी के काम नहीं आता, भाई भाई को नहीं चाहता, भाई भाई का दुश्मन है। ऐसी स्थिति में एक लड़का जो है हीरो जो है वो अपनी प्रेमिका के प्रेम के चक्कर में, और उसके जब पता चलता है कि उसकी बहन को और उसकी माँ को जब गाँव के जो दाऊ जी जो हैं यानी प्रदीप शर्मा जी जब वो घर से भगा देते हैं अपने बहन को प्रेमी के साथ भगाने के जुर्म में निकाल देते हैं, उसके बावजूद दर दर की भटक खाती है। और एक बहुत अच्छी मैसेज ये भी है कि आज एक जवान लड़की एक मोबाइल कंपनी में शॉप में काम करती है और आते जाते देखती है तो गुंडे उसको जो छेड़ने लगते हैं, रंगोबत्ती के कारण जो है इनका पूरा परिवार एक हो जाता है। तो वास्तव में बहुत बढ़िया ड्रामा है, बहुत अच्छी हास्य पिक्चर है, और मेरे दर्शकों से अनुरोध है कि वो एक बार इस फिल्म को ज़रूर देखें ना। और ये मैसेज भी है साथ में कि हर आदमी जो है किसी न किसी परेशानियों से घिरा रहता है, इंसान ईश्वर ने बहुत अच्छी अनमोल ज़िंदगी इंसान को दी है, तो हर किसी के से अपना व्यवहार बना कर रखे और हर किसी का सुख दुख में काम आए। जी बस इतना ही कहना चाहूँ। मैं भिलाई से आया हूँ और ये टिंकू सहारे है उन्हीं के साथ में आया हूँ, और इस फिल्म में यानी कि थोड़ा सा किरदार किए हैं उसी को देखने के लिए और उसकी यानी कि खुशी के लिए, और हमारी भी खुशी है कि यानी कि वो हमारा मित्र है और इतना अच्छा भूमिका निभाया, इसी खुशी में मैं खुद आया हूँ। और इस पिक्चर में ऐसा रंगोबत्ती जो नाम का किरदार निभाया है अनुज शर्मा ने, इतना बेहतरीन यानी कि निभाया है कि वो एक परिवार को और पूरे यानी समाज को एक बंधन में बांधने की कोशिश किया इन्होंने। तो अनुज शर्मा जी पहली बार माई लोगिन के किरदार में है, तो वो आप मतलब देख के कैसे लगी? बहुत खुशी हुआ और बहुत अच्छा लगा कि हमारे छत्तीसगढ़ से यानी एक महिला के रूप में किरदार को निभाने के लिए अनुज शर्मा सामने आए। और एक अलावा आप मतलब का अच्छा लगी से फिल्म? इस फिल्म में यानी कि सभी का भूमिका अच्छा लगा, क्योंकि सभी लोग यानी कॉमेडी तो हर प्रकार से यानी कि रंग से भर दिया है, रंगोबत्ती बोले तो वो रंगोबत्ती ही है। बहुत बढ़िया लगी है, मेरा लड़का है ये टिंकू नाम का, जी हम लोग भिलाई में रहते हैं। तो उधर की जो सीन रही से रोल रही से वो कैसे लगी आप मतलब? बहुत सुंदर लगा है, बहुत बढ़िया जी जी। और फिल्म कैसे लगी? फिल्म भी बहुत सुंदर है। अनुज जी के रोल कैसे लगी? उनके तो बहुत ही जोरदार रोल है, बहुत सुंदर जी जी। अच्छा ये मैं कॉमेडी रही से कद का एंटरटेन करी साहब? कॉमेडी में बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। संगवारी हो, हमारे साथ में है रंगोबत्ती फिल्म के निर्देशक पुष्पेंद्र सिंह जी, और ये फिल्म के बारे में जानथन आज ये फिल्म लगे तो दर्शक मन के का रुझान है, और जन जन दर्शक मन ये फिल्म ला नहीं देखे है तो उखर लिए सर मन सर के का अपील है कि ये फिल्म ला देखे बराए? सबले पहले आप सब जन ला जय जोहार, मैं पुष्पेंद्र सिंह, मोर फिल्म आए है आज रंगोबत्ती। रंगोबत्ती छत्तीसगढ़ के एक नवा फिल्म एकर सेती कह सकता हूँ कि हर फिल्म में हीरो हीरोइन होते, ये फिल्म में हीरो ही हीरोइन है। हमारे हीरो सुपरस्टार अनुज शर्मा महिला के किरदार करे हैं, और सबसे बड़े बात है कि हमारे अशोक तिवारी जी जैन प्रोड्यूसर है वो हमारे ऊपर विश्वास करी से ऐसे फिल्म बनाए बार, तो मैं ओला भी धन्यवाद देता हूँ और छत्तीसगढ़ के जनता से निवेदन करता हूँ कि जैन भी छत्तीसगढ़ी फिल्म आए तेनला ज़रूर देखो, काबर की छत्तीसगढ़ी फिल्म देखे से छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला भी थोड़ा बढ़ावा मिली और छत्तीसगढ़ी भाका बोली ला बढ़ावा मिली, एकर सेती जरूर देखो। और हमार जतका कलाकार है उमन के धन्यवाद है, जतका दर्शक है उमन ला प्रणाम है कि उमन हमार छत्तीसगढ़ी फिल्म ला माया देते दुलार देते। रंगोबत्ती 13 तारीख से लग गए है, आप मन नज़दीकी सिनेमा घर में जाके खूब सारे माया दुलार दो, बस जय जवाहर।
मैं जमरा गाँव वाला हूँ। हाँ, कैसे लगी इस फिल्म? फिल्म तो बहुत अच्छा लगी। कहाँ का अच्छा लगी? गाना वाना? गाना बहुत बढ़िया है और मोला मेन रंगोबती बहुत अच्छा लगी से। रंगोबती शर्मा जी। हाँ, जय जोहार संगवारी हो, मैं जॉनसन अरुण। आप मन मोला ये फिल्म में देख सकत हो, फिर वही कल्लू के किरदार में जो रंगरसिया में बहुत सुपर हिट हो रही से आप मन बहुत माया दे रहे हो, वो कल्लू के किरदार ला वही किरदार ला फिर मैं आप मन के पसंद मतलब जितना आप मन ला पसंद आ रही से उसके कारण फिर ये फिल्म में वही किरदार ला करे हूँ। और ये फिल्म में मैं दो काम हूँ करे हूँ, एक तो ये फिल्म के पटकथा और संवाद में ही लिखे हों और ये फिल्म में जितना भी एक्शन सीन है फाइटिंग सीन वो भी में ही करे हों और दर्शक मन ला आज अभी जो देख के निकली से बहुत पसंद करा थे फिल्म ला, बहुत मजा लेवा थे फिल्म के और आशा करा था कि आप मन भी एला देखे बार जरूर आओ और ये फिल्म के मजा लाओ। सर ये फिल्म के गाना के बारे में बताओ आप, मतलब गाना को यही से आप मतलब अच्छा लगी? नहीं नहीं, गाना इमाम मौला मतलब सब गाना तो नहीं कह सका, हालांकि फिल्म हमारे है लेकिन तब बोले ये फिल्म के चार गाना मौला बहुत बहुत पसंद है। करेजा का हसिया वाले गाना और दो टन तीन टन और जो गाना है मौला बहुत पसंद आई, गाना भी एक नंबर है। फिल्म तो शुरू से आखिरी तक कॉमेडी है, हंस हंस के लोटपोट है। तब कॉमेडी में जैसे आप मन करे हो तो एक आठ कैसे जो दर्शक के लिए? अब मैं तो कल्लू हूँ, जब तक मोर संग चंपावती नहीं रही तो मैं कैसे कॉमेडी करूँ? चंपावती रहती तो कॉमेडी कर देते हूँ। वैसे मोर कॉमेडी देखना तो पिक्चर देखो आप मन, फिल्म ला देखो, फिल्म ला मजा दो। धन्यवाद। सबले पहले तो आप सब ला नमस्कार, जय जोहार। और ये मूवी है अनुज भैया के बहुत अलग किरदार है। सच कहूँ तो ये मूवी देख के बहुत मजा है, बहुत मतलब फैमिलियर मूवी है और बहुत मजा करें। इमें अनुज भैया की जो चाल है वाकई में बहुत लाजवाब है। मतलब अनुज जी पहली बार माई लोगन के किरदार में आया है तो वो दर्शक मतलब भाग है इसे? बिल्कुल 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 पसंद आई और मैं आप मतलब भी कहता हूँ कि आप एक बार जरूर देखो अनुज भैया के चाल। और अनुज भैया के तो एक्टिंग आप मन जाना था लेकिन ए बार के माँ मतलब अलग अलग तरीके से। अच्छा, ये मैं कॉमेडी कैसे लगी साहब, मतलब कते मजा आई? कॉमेडी भी भरपूर है, काठो कॉमेडी ऐसे जन याद हुई तम्बी दादा कल्लू कल्लू कैरेक्टर और जो कर वाइफ रहे जो दो और तरुण भैया और सैलेन सैलेन भैया के इकर एक्टिव तो लाजवाब है और इवन चार चांद लगा दे लोट फुट कर। इवन सब सब जितना भी आर्टिस्ट है सब जम के काम करें और बहुत बहुत अच्छा काम करें। अच्छा, जो नया दर्शक जो नहीं देखे फिल्म ला उखर बार का अपील करना चाहते? उसके बारे अपील करना चाहता हूँ, एक बार आप मन यहाँ जिन हमारे छत्तीसगढ़ ला बढ़ा सकते थे, ठीक है? तो जब तक आप छत्तीसगढ़ी मूवी देखा नहीं तब तक हमारे छत्तीसगढ़ आगे बढ़ाए नहीं। सब घर में बैठ के बोले बोले से नहीं हुए कि हम छत्तीसगढ़ के बारे में सोचता, छत्तीसगढ़ मूवी ला देखा तो खर संस्कृति ला आप जाना और ए बार अलग अलग तरीके से प्रेजेंट हुए, ठीक है? तो एक बार अनुज भैया के ए मूवी ला देखे जरूर आओ। फिल्म बहुत अच्छा है, फुल धमाल एंटरटेनमेंट है, दिल खुश पिक्चर है। अनुज भैया की जो एक्टिंग है बहुत गजब लाजवाब, सही में दिल गुदगुद गदगद हो जाते हैं और कहल धरते ए रंगोबती रे रंगोबती, बेहतरीन एक्टिंग जिला कह सकथन। अनुज भैया अपने पिक्चर ला एक तरफा ले गए हैं अपन एक्टिंग के दम पे और जो तजुर्बा है ना, जो तजुर्बा बोलते हैं वो यही चीज़ ला कथी कि अनुज भैया में ओकर तजुर्बा दिखते हैं, ओकर काम के जो काम ले जो समर्पण भाव भाव से करते और काम ले जो अंजाम देते ना वो बेहतरीन है। गाना मन भी जितना भी गाना है बहुत मीठा और करने प्रिय गाना है और कॉमेडी तो एकदम कमाल के है, तो टोटल एकदम धमाल है ओका, बिल्कुल एकदम बॉम्ब ब्लास्ट है। तो आप मन से मोर हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब थिएटर तक आओ और पिक्चर ला देखाओ और अपन आशीर्वाद दो ताकि जब पिक्चर बनते तो सबकी उम्मीद रहते कि इस पिक्चर से एक अच्छी कमाई निकल जाए, सबके एक रोजगार के साधन भी बने रहते। जब तक हमारे पिक्चर ला देखो नहीं, हमारे पिक्चर से अगर कुछ कमाई नहीं आई तो हम दूसरा पिक्चर नहीं बना पाबो। तो सबके मनोरंजन है, तो आप सब बने हैं पिक्चर मनोरंजन, आप सबके मनोरंजन पर फिल्म बने हैं, तो आप मतलब बिल्कुल आना है और देखना है पिक्चर ला और आशीर्वाद देना है। नमस्कार संगवारी, जय। अच्छा, ये मैं कॉमेडी के जन है तो कॉमेडी ऐसे एक आध जो कोई डायलॉग है जिन आप मन देखे हो तो बहुत अच्छा लगा था।
वो अलग ही चीज़ है इसमें के जो कॉमेडी है वो पकड़ में नहीं है एक्चुअली मन के कॉमेडी जो है ना छत्तीसगढ़ी में आमतौर पर जिस तरह के कॉमेडी होते हैं ना वैसे कॉमेडी नहीं है कुछ पुष्पेंद्र भी है कि जो फिल्म में एक खासियत है कि दो जब भी कॉमेडी पिछले बार भी रंगरसिया मेरी से तो अलग प्रकार के कॉमेडी से और एमए भी वही कॉमेडी है तो वो का थोड़ा सा तरीका ही अलग रहता है जैसे उड़ी मतलब कहा जाए तो ऐसे कि कॉमेडी देखे के बाद में आदमी वो कॉमेडी में इतना हंसत गुदगुदात खो जाते कि वो थोड़ा सा वो नहीं मतलब वो कैच नहीं कर पाए कैच हाँ मतलब मजा तो आते सुनने मजा आते क्या होते कि ना वो जो भाषा में यूज़ किए जाते पुष्पेंद्र दादा के कॉमेडी में वो कई जन की समझ में आते और कई जन के पल्ले नहीं पड़े तो बाकी इतना है कि इंटरटेनमेंट फुल रहते और मजा आते। संगवारी हो जय जोहार जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो आप मन देखा तो यूट्यूब चैनल जेखर नाम है सी जी नरेश। संगवारी हो मोर साथ में है अभी दिव्या यादव जी जिन्हा भी 90 दिन से जो फिल्म अभी चलत आते हंस झन पगली फंस जबे वो फिल्म में बहुत बेहतरीन कलाकारी के परिचय दे है आपन बिल्कुल देखे हो तो अभी रंगोपति फिल्म देखे पर आया है तो ये फिल्म ना देखे के बाद में का कहना है दिव्या जी के तो जानता ना। जय जोहार संगवारी हो मैं दिव्या यादव। रंगोपति तो अब टाइटल ही अपने आप में बहुत एंटरटेनिंग है लो मतलब जितना भी ऑडियंस है वो ये टाइटल देख सोच कर ही थिएटर तक आ जाए पिक्चर देखे पर और रहे बात पिक्चर के तो पिक्चर बहुत ही अच्छा है उस जेमा हमार यहाँ के सबसे बड़े कलाकार सुपरस्टार पद्मश्री अनुज शर्मा जी काम करे हैं। बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं प्रदीप शर्मा जी हैं निशांत उपाध्याय जी है मुंबई से हीरोइन है लेजली त्रिपाठी जी और जितना भी उपासना वैष्णव जी है हमारे यहाँ के बहुत अच्छी अभिनेत्री है सबसे बड़े चरित्र अभिनेत्री है जो हर पिक्चर में कम से कम माँ के किरदार तो करते और सभी किरदार बहुत अच्छा है एकदम मतलब पारिवारिक एंटरटेनमेंट पिक्चर है और मैं छत्तीसगढ़ के सभी दर्शक मन से ये विनती करना चाहता हूँ कि आप मन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में थिएटर तक आओ और हमारे सभी सबों छत्तीसगढ़ी पिक्चर ला उतना ही प्यार दो जितना आप मन हजन पगली फर्स्ट जबेला दे रहे हो वो पिक्चर अभी 100 दिन के रिकॉर्ड होकर पूरा होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि हर पिक्चर इसने बिजनेस करे और इसने माया दुलार उमन ला दिवत रहो ताकि हमन ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर बना सकन आप मन से मिल सकन रूबरू हो सकन काबर के आप मन की सपोर्ट नहीं रही तो हमन भी शायद काम नहीं कर पाबो आप मन सपोर्ट करत रहो माया दुलार देवत रहो तो इसने पिक्चर बनाता ही और हमन आप मन से थिएटर के थ्रू मिलत रहो। अच्छा ये फिल्म देखे के बाद में आप मतलब कुछ ऐसे जन लगी से कोई जन याद है? हाँ मुला एक बात तो मैं कहना चाहूँ ये एक बार नहीं कि मैं अनुज शर्मा के बहुत बड़े फ़ैन हूँ मैं बहुत छोटे रहे तब से होकर पिक्चर देखा था लेकिन सही मायनों में मैं उला एक कलाकार मानता हूँ और वो अपन अदाकारी से और जो नज़ाकत है रंगोपति बन के जो पर्दा मिला है वो एक तरफा पिक्चर ला खींच दे अपन तरफ में सब किरदार अपन अपन जगह बहुत परिपक्व है बहुत अच्छा है लेकिन जो रंगोपति के किरदार है जेला पिक्चर में देखे पर आई जनता वो मला 100% संतुष्टि मिली 100% खुश होके जाही जब थिएटर से बाहर जाए तो हंसत हंसत जाही। धन्यवाद। तो संगवारी हो ये रही से दिव्या यादव जी ने बताई सा अपन ये फिल्म के कुछ जानकारी तो धन्यवाद बने रहो और लेवत रहो मजा नवा नवा फिल्म छत्तीसगढ़ी फिल्म के। धन्यवाद जय जोहार जय छत्तीसगढ़। तो बिल्कुल आप मन भी नहीं देखे हो फिल्म ला देखे बराहू झन बुलाहू रंगोबती।